गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल खाना पीना हो चुका है दोपहर का समय है मतलब पूरा मेरे कामों का समय है जो कि मैं करती हूँ जो मुझे पसंद है तो बस उसी के लिए तैयार हो रही हूँ और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक हॉल स्टोर शूट करने वाली हूँ मतलब कपड़ों का एक वीडियो शूट करने वाली हूँ तो उसी के लिए तैयार हो रही हूँ लगभग कितने कपड़े हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात यहाँ पर टांगे हुए इसलिए मैं बता पा रही हूँ मस्कारा लगा रही थी इसलिए आपको म्यूज़िक के साथ थोड़ा मुझे देखना पड़ा ओके सो आई गॉट पूरी तरह से रेडी ठीक है बस थोड़े से बाल बनाने हैं और कपड़े चेंज होंगे अभी और एक्सेसरीज भी चेंज होगी ठीक है तो बाल सोच रही हूँ मैं कपड़े वगैरह पहनने के बाद ही सेट करूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो कपड़े पहनते समय बाल है थोड़े बहुत हिल जाने हैं तो ये जो पीछे के कपड़े हैं इन्हें मुझे पहन कर दिखाना या आगे के कपड़े हमारे डेली वेयर वाले जो सूख रहे हैं इसकी वजह से जी हाँ ये हॉट एंड कोल्ड एसी की वजह से ये सूख जाते हैं यहाँ पर क्योंकि ये चलती रहती है थोड़ी बहुत तो वैसे तो ठंड काफ़ी कम हो गई है पर अब मैं बार बार चेंज करूँगी तो मुझे लगेगी क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों थोड़ी ज़्यादा ही ठंड लगती है तो ये मेरा फर्स्ट आउटफिट है बाय द वे इस वीडियो को आपने ऑलरेडी चैनल पर देख लिया होगा क्योंकि इस वीडियो की जो लाइव वाली डेट है और ये वाला ब्लॉग जाने वाली जो डेट है मुझे पता है सब कुछ तो आई एम श्योर कि आपने देख लिया होगा इस घर में पता है मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी आ रही है कि मैं अपने आउटफिट वीडियोस को ना प्रॉपरली शूट नहीं कर पाती क्योंकि मेरा जो कैमरा का फ्रेम है उसमें ना कहीं ना कहीं से फर्नीचर का कोना या कुछ और आ ही जाता है तो मुझे प्रॉपर ऐसा स्पेस नहीं मिलता है कि मैं अपने पूरे आउटफिट को बिना किसी फर्नीचर के कोने के अलावा दिखा पाऊँ पर अब क्या करें तो अब मैं ना यहाँ पर सोच रही हूँ कि अपना ये जो प्रॉपर आउटफिट वाला ये वीडियो है शूट करूँ उससे पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें ना वो हटानी पड़ेंगी जिसमें एक्चुअली मुझे मेरी नानी याद आ जाती है क्योंकि आजकल ना होता है कि यार बहुत डिटेल में काम करने का मन नहीं करता है कि भाई हटाओ और फिर थक जाओ तो हाउस हेल्पर भी अभी थोड़ी काम से बाहर गई है तो वो आती तो मैं कर भी लेती उसकी मदद से पर अब मुझे ही करना पड़ेगा <laughs> सारे कपड़ों के साथ जितने मुझे शॉर्ट लेने थे वीडियो के वो मैं ले चुकी हूँ अब मेरा ये आधा वीडियो बन चुका है आधा मुझे अब बैठ कर ये कपड़े दिखाने वाला जो वीडियो है वो शूट करना है अब होता क्या है पता है बहुत से कपड़े जो होते हैं उन्हें पहनने के लिए खुद की ही हेल्प लेनी पड़ती है टी शर्ट्स वगैरह पहनने तो बहुत आसान होते हैं पर इस तरह का जो टॉप होता है या ड्रेस होता है इसे पहनने के लिए ना हाथ ऐसे पीछे पूरा करना पड़ता है और तब जाकर ये जो जिप है ना एकदम लंबी सी वो ऊपर आती है हालांकि घर में बहुत से लोग हैं जिनकी मैं हेल्प ले सकती हूँ पर कितनी बार मैं उनकी हेल्प लूँगी अच्छा भी नहीं लगता है ना कि इतने ड्रेसेस है इतने टॉप्स हैं उन्हें पहनने के बाद क्या मैं उन्हें बुलाऊ बार बार कि जिप लगा दो तो हुआ मेरे साथ ये कि जिप जब मैं ऊपर कर रही थी ना तो ये मेरा पूरा स्टिफ हो गया था ऊपर से ना आजकल मैं फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ मतलब रेगुलरली वॉक नहीं कर रही हूँ डाइट पर भी बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे रही हूँ और जब आप ना रेगुलरली अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं देते ना तो आपने भी देखा होगा कि आपके जोड़ों में दर्द हो जाता है या स्टिफनेस जाती है। और जब मेरे इस हिस्से में स्टिफनेस हुई ना तो मुझे ऐसा लगा अब तो मैं गई मेरा आधा वीडियो जो है हो गया और आधा लटक जाएगा मतलब आधे कपड़ों के साथ मैंने जो शॉर्ट लेने थे वो ले लिए अब आधे रह जाएंगे क्योंकि यहां पर स्टिफनेस हो गई है अब मैं करूँ क्या उस समय ना मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आई इंस्टेंट वेदा का रूमा क्योर ऑयल फिफ्टी एम की ये जो रोमा क्योर ऑयल है ये पेन रिलीवर रोल ऑन है सो so, होता क्या है कहीं पर भी स्टिफनेस हो गई या जॉइंट पेन कभी भी हो जाता है तो मैं सिर्फ क्या करती हूँ इसे खोलती हूँ और ये इस तरह से रोल ऑन पार्ट में आता है जैसे कि आप देख रहे हो बस खुद ही अपनी हेल्प से ही ऐसे रोल करते हुए लगा लेती हूँ जैसे तेल वगैरह लगाओ तो आपको पता ही है वो हिस्सा काफ़ी ऑयली हो जाता है तेल जो है ड्रिप होने लगता है मैं तो इंस्टेंट वेदा के इस रूमा क्योर ऑयल को हमेशा हैंडी रखती हूँ क्योंकि कभी भी स्टिफनेस हो सकती है इनफैक्ट मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसके जॉइंट पेन रहता है या कई बार आपके साथ भी होता होगा कि स्टिफनेस आ जाती है नेक एरिया में सोकर उठने के बाद या बहुत सारी कारणों की वजह से ऐसा होता है विच इज़ टोटली नॉर्मल एंड दीज डेज तो कम एज वाले बच्चों को भी ये होने लग गया है मतलब ऐसा नहीं है कि एक एज के बाद ही किसी को कुछ होगा नहीं अब तो किसी को भी कुछ भी हो जाता है सो यू इस कैन ऑल्सो लाइक ऐसा अपने साथ रख सकते हो जैसे मैंने अभी जब मेरा स्टिफनेस यहाँ पर हुआ ना अभी भी हल्का फुल्का सा मैं फील कर रही हूँ बट येस मुझे इंस्टेंट रिलीफ मिल गया है तो एटलीस्ट मैंने अपना ये जो शूट है वो कम्प्लीट कर लिया है मुझे रुकना नहीं पड़ा इसे ना थ्री टू फाइव एम ही अपने बॉडी पार्ट पर ऐसे रोल ऑन करते हुए लगाना होता है बहुत आसान है इसे इस्तेमाल करना इनफैक्ट इसके कम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो आप भी देख कर ना इसके इंग्रेडिएंट काफ़ी हैरान हो जाएंगे ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है क्रूलिटी फ्री है और लैब टेस्टेड है डोंट वरी ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ इट्स रियली गुड प्रोडक्ट और इसके कम्पोजिशन में है दालचीनी ऑयल तरपीन ऑयल कपूर ऑयल गंधपत्री ऑयल गंधपूर्णा ऑयल सेट पुदीना ऑयल कैस्टर ऑयल तिल ऑयल तो सबसे पहले तो ये हेल्प करता है जॉइंट पेन और जो स्टिफनेस है उसे रिड्यूस करने में ये प्रमोट करता है जॉइंट मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ये जो जॉइंट्स होते हैं ना हमारे उनको प्रोटेक्ट करता है और कुशन भी करता है और बेस्ट पार्ट ये हेल्प करता है सपोर्ट करने में जॉइंट के हेल्थ को सो हेल्दी जॉइंट्स के पेन को कम करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है मेड इन इंडिया ऐसा प्रोडक्ट है इसकी परचेस लिंक ना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी डू चेक इट आउट गाइस इसकी कैप्सूल भी आती है उसकी भी लिंक अगर मुझे मिल जाती है तो मैं मैंशन में कर दूंगी दोनों को भी अगर आप लेते हो तो आपके लिए यूजफुल है बट इंस्टेंट जो भी हमारे बॉडी में Stiffness हो जाती है उससे रिलीफ पाने के लिए या फिर हमारे नीज में पेन हो जाता है उससे रिलीफ पाने के लिए दिस टू गुड बाद जा रही नीचे खेल रही है तो वो खेलती है मैं वॉक कर लेती हूँ इस समय विमला भी घर जाने की उसमें रहती है क्योंकि उसका समय हो जाता है वो देखो विमला बैठ कर देख रही है वो देखो का खेल रही है तो अपन करते हैं वॉक तो ये जूतों की वजह से वॉक नहीं हो पा रही है चलो मैं आती तो, 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 तो।, तो कितना टाइम लगेगा बच्चे देखो कैसे भागते हुए आ रहे हाफ वॉक हो गई है हाफ वॉक अभी जूते चेंज करने के बाद करूँगी तो रोज का ये मेरा शेड्यूल होता है कि मैं अनिका खेलती है और मैं और राज वॉक करते हैं तो पहले तो मैंने दो चक्कर पूरी बिल्डिंग के काट लिए थे फिर आ जाए तो उनके साथ भी वॉक पर यही जूते इतने दुखने लग गए मेरे ओके okay, तो फुटवेयर हो गए हैं चेंज इन फुटवेयर को ना मुझे वॉश भी करना है वो देखिए सामने से कैसे काले हो गए दिख रहे हैं उनको वॉश भी करना है आई एम बैक चलो कितनी अच्छी देखो शेडिंग हुई है स्काई लाइट मस्त हुई है और देखो कितना अच्छा लग रहा है ऐसे पीच कलर पर्पल कलर कुछ ऐसा बन कर आ रहा है बैक टू होम गाइज तो आज डिनर मैं बना रही हूँ वही चावल और लसन के पत्तों का छीला पैकिंग किचन गाइस और कोई मुझे ये कमेंट नहीं करेगा कि सेम स्वेट शर्ट पहनकर मैं नीचे वॉक के लिए गई थी और उसी को पहनकर मैं खाना बना रही हूँ सो अनहाइजीनिक तो पसीना एक बूंद आया ही नहीं ठीक है सो अनहाइजीनिक वाली बात हुई नहीं पसीना ही नहीं आया तो कि फिर गाय का वॉक मतलब पता ही नहीं चलता मैं मतलब पूरा दस किलोमीटर भी वॉक कर लूँ ना तो मौसम ऐसा है कि पसीना आता ही नहीं है ठीक है तो अब मैं जो डिनर में बना रही हूँ वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी विच इज़ Uh, महाराष्ट्रियन डिश आप भी ट्राई कर सकते हो इजी टू मेक है सबसे पहले तो अंडे उबालने रख दिए और हाँ मैं कुकर में उबालती हूँ सबसे बेस्ट तरीका लगता है एक विसल में हो जाते हैं अंडे रेडी उबल कर ठीक है उसी के बीच में आपने देखा एक ऐसे प्लेट में स्टील के मैंने अंडे को फोड़ कर रखा है तो वो बहुत अच्छे से स्टीम भी हो जाता है एक विसल में जो मैं अनिका के लिए भी बनाकर दूंगी तब आपको समझ में आएगा बहुत सही रेसिपी है गाइस कभी टिफिन में देना हो या इंस्टेंट बच्चों को कुछ यम्मी सा खिलाना हो तो ये हमेशा ही काम कर करता है मेरे लिए अनिका को वो चीले वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं तो चीले तो खैर मैं और राजी खाएंगे तो सबसे पहले ये देखिए चावल ना मैंने भिगो कर रखा है तो ये लगभग छह सात घंटे पहले ही चावल भिगो कर रख दिया था लगभग आपको तीन से चार घंटा तो भिगोना ही है अगर चावल नहीं भिगोया हुआ है तो आप चावल का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर जो स्वाद भिगोए हुए चावल के चीलों का आता है ना वो पाउडर वाले का नहीं आता ठीक है बट कभी मन हो और चावल ना भिगाया हो तो पाउडर से भी काम चल जाएगा ठीक है डोंट वरी यहाँ पर सबसे पहले मैं इसे अच्छे से पीस लूंगी बहुत आसानी से ही पिसवा जाता है इससे कोई खास ऐसी परेशानी नहीं फील होती मुझे इसे पीसने में सेम जैसे हम इडली का बैटर वगैरह पीसते हैं वैसा ही इसे पीसना है थोड़ा सा पतला रहेगा ठीक है दरदरा रहेगा तो उसे पकाना भी पड़ेगा और जब ये पीस गया ना तो इसी में मैं मिर्च वगैरह भी डालकर पीस लूंगी तो ये बहुत ही आसान हो जाता है बार बार आपको बर्तन खाली नहीं पड़ता है एक ही बर्तन में आपने वो जो लहसुन के पत्ते हैं वो भी डाल देने हैं उसी में आपने मिर्ची वगैरह भी डाल दी अगर आप चाहे तो टमाटर वगैरह भी डाल सकते हैं बट मैं इस बार स्किप कर रही हूं ठीक है वैसे ये प्रॉपर प्रॉपर आयते की रेसिपी नहीं है बट हां आप आयते ही बोलिए आयते जो कि एक महाराष्ट्र में विदर्भ साइड की रेसिपी है मैं इसमें ना थोड़ा सा दही भी डाल रही हूँ दही का पानी वो इसलिए थोड़ा सा खट्टापन इसमें आएगा अब ठंड है ना तो चावल वगैरह कैसे फॉर्मेट नहीं हो पाते मतलब भिगोने के बाद भी अगर आप इसे रात भर छोड़ते हो तो बहुत अच्छे से चावल फॉर्मेट हो जाते हैं ना तो एक खट्टा वाला स्वाद आता है तो वो खट्टे वाले स्वाद के लिए मैंने थोड़ा सा दही डाला है ये देखिए पीस कर कुछ ऐसा दिखेगा इसमें स्वाद अनुसार नमक ऑलरेडी मैंने डाल दिया है और इसमें हल्दी भी डाल दिया है ये थोड़ा सा ना बैटर पतला बनेगा ठीक है बहुत गाढ़ा नहीं बनेगा यहाँ पर दो तवे मैंने रखे हैं दोनों तवे पर ये चीले डाल दिए हैं इन्हें ना हमेशा ना ढककर पकाइएगा तो बहुत जल्दी ये स्टीम होकर ना पकने लगते हैं बिना ढके बनाओ ना तो थोड़ा सा ये सब ऊपर से ऐसे दिख रहे ना सफेद सफेद से दिखने लगते हैं तो बस ये देखिए निकालने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखता है ये बहुत अच्छे से जब सेट हो जाए ना तो बस इसे पलटना होता है पहला वाला जो भी हो चाहे डोसा हो ये जो थाली पीट इसे मराठी में बोलते हैं या आयते भी बोलते हैं और हिंदी में इसे चीले बोलते हैं ये हमेशा पहला वाला ना थोड़ा नाटक करता ही है निकलने में उसके बाद सारे स्मूद निकल जाते हैं पर पहले वाले ने भी बहुत स्मूदली आप परफॉर्म पर किया है इसे थोड़ा सा ना अच्छे से पकाना पड़ता है क्योंकि इसमें चावल है ना तो ये थोड़ा सा टाइम भी लेता है पकने में और थोड़ा सा इसे क्रिस्प बनता है ऐसा मतलब खाने में क्रंची क्रंची सा फील आता है तो अच्छा बनता है यार आप बना देखिएगा और अगर बच्चों के लिए बना रहे तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं ठीक है ये मीठा भी बनता है बचपन में मैं मीठे वाले आयते ना बहुत पसंद करती थी तो बस ये रेडी है यहाँ पर सर्व होने के लिए फिर से एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा दूँ तो यहाँ पर ना मैंने जो जुकिंग होती है उसका सेंटर वाला पार्ट लिया है आप कुछ भी ले सकते हैं तेल लगाने के लिए ठीक है और फिर मैंने बैटर को डाला तवे पर उसे उसे फैलाया अब बीच बीच में ना ये थोड़ा बहुत होल वाला रह ही जाता है उसे पूरी बुझाने की जरूरत नहीं है नहीं बुझा तो भी चलेगा थोड़ा जालीदार बन जाएगा वो इसीलिए क्योंकि ये चावल है थोड़ा सा ऐसे समझ रहे हो ना वो है अपने आप को ही फेंक देता है बाहर की तरफ तो थोड़ा सा चलता है बीच में छेद भी दो और बस ढक कर इसे पकाना होता है अच्छे से सीखना होता है ऊपर वाला जब जम जाए तभी इसे पलटना होता है बहुत ही आसान प्रोसेस है अब मैं आपको दिखाती हूँ वो अंडा जो मैंने प्लेट में डाला था और देखिए कितने अच्छे से पक गया है बस ऐसा ही कुछ मुझे चाहिए था ये रेसिपी ना आप बच्चों के लिए भी ट्राई कर सकते हैं खैर वो लसन की चीले भी ना बच्चों को पसंद आते हैं पर अनिका थोड़ी सी लसन बिसन कम पसंद करती है इसलिए उसे नहीं पसंद आते ओके सो यहाँ पर मैंने बन लिया है बन को काट लिया है कुछ इस तरह से बन ना पचक गए है सामान लाते समय बेचारे के ऊपर ना कोई और पैकेट पड़ गया था और वो पचक गया है बन पर आप पाव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फैक्ट आप ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको जो लगाना है लगा सकते हैं मैंने यहाँ पर मस्टर्ड वाला मेयोनीज ऑनिस लगाया है जो कि थोड़ा ज्यादा ही गिर गया है मैंने उसे थोड़ा सा बचाकर रखा है चम्मच पर कि अगर मैं वापस बनाऊं तो वो इस्तेमाल हो जाए उसके बीच में वही अंडा जो मैंने उबाला था वो लगा कर इसे अच्छे से सेक लिया है और इसके बीच में आपको और जो जो चीजें चाहिए ना वो डाल दीजिए बहुत बढ़िया बनता है अब थोड़ा सा मास्टर शेफ बनने की कोशिश मैंने की है प्लेट में थोड़ा सा सॉस को ऐसे सजा दिया है आजकल मास्टर शेफ बड़े मन से देख रही हूँ मैं तो बस इसमें बीच में मैंने कट डाल दिया है जिससे आसानी से इसे अनिका खा पाए इसके बाद हुआ क्या मैंने और एक बनाया मैंने तो पहले एक ही बनाया था फिर अनिका ने बोला नहीं nah, मम्मी मुझे तो और एक चाहिए फिर वो जो बचा हुआ थोड़ा सा मस्टर्ड वाला मेयोनीज था ना वो तो लगा दिया उसके ऊपर और मेयोनीज लगवाया अनिका ने क्योंकि उसे थोड़ा सा मेयोनीज ज़्यादा पसंद है और उसके बाद फिर से मैंने सेम उसे बना कर दिया तो एक बात तो आप मानोगे कि बच्चों को ना ये रेसिपी बड़ी पसंद आती है तो आप इसे बना सकते हो वो जो इडली के साचे हो, होते हैं ना उसमें भी अंडे को फोड़ कर डाल दीजिए एक भी लगा दीजिए आपके एक साथ मतलब वो साचे में तीन चार अंडे बन जाएंगे तो आप दो बच्चे हैं तो दो दो बनाकर इस तरह से दे सकते हैं आपको बार बार कुकर नहीं लगाना पड़ेगा तो कुछ इस तरह से अनिका ने एंजॉय किया उसका डिनर तो मेरी तो वो रेसिपी अनिका वाली पास हो गई है तो अनिका को ये चीले नहीं खाने थे पर गाइस डू ट्राई दिस चीले अगर आपके पास लहसन के पत्ते नहीं हैं आप लौकी या फिर ककड़ी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेंट ऑफ लहसन के पत्ते हाँ लहसन के पत्तों की वो जो एक ऐसी जो फ्लेवर होती है ना वो शायद ककड़ी और लौकी से नहीं आए बट वो भी अच्छे लगते हैं तो ना ये रेसिपी जो है विदर्भ की स्पेशल है जो भी महाराष्ट्र में विदर्भ साइड के हैं उनका ये फेवरेट है I was finally over you But that's not the truth mm -mm. Everyone always keep falling in love म्यूजिक के साथ आपने थोड़ा बहुत तो देख ही लिया कि किस तरह से किचन में काम चलते रहता है पहले मैं ना काफी कम वॉइस ओवर करती थी और ज्यादा म्यूजिक लगा देती थी बट फिर मुझे ऐसे लगा कि आप एक रिलेट कर पाते हो मेरे ब्लॉग्स के साथ तो आप मुझे जरूर बताएगा नीचे कॉमेंट बॉक्स में कि आपको म्यूजिक के साथ ज्यादा पार्ट अच्छा लगता है कि वॉइस ओवर के साथ ज्यादा पार्ट अच्छा लगता है ओके डू लेट मी नो बिलो इन द कॉमेंट बॉक्स तो यहाँ पर सारा सबमिटने वाला काम चल रहा है पहले चौबीस घंटे वाली थी तो वो सारा सबमिट देती थी इन सारी चीजों में आराम लगता था पर अब देखिए दस पंद्रह मिनट निकाल कर भी समेट ही लेती हूँ ऐसा नहीं है कि काफ़ी तामझाम हो जाता है तीन ठन से लोगों के लिए क्या तामझाम है ना वो भी है तो सारी चीज़ें जो फैली है जो भी फ्रीज में रखनी है वो सारी मैंने जमा कर ली है और वो जो चीले का बैटर है ना वो अच्छा खासा बच गया है तो कल सुबह नाश्ते में भी राज को चीले ही चाहिए उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है तो बस उसे डब्बे में निकाल कर रख दूंगी और सारी चीजें फ्रीज में डाल दूंगी सोने से पहले बादाम भिगोना मेरा बहुत पुराना रूटीन है अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हैं तो आपको पता ही होगा उसी के साथ मुझे सोने से पहले और एक काम करना बहुत अच्छा लगता है की भाई मैं अपना लिविंग रूम को अच्छे से सवार लू क्योंकि ना वो सुबह फैला हुआ लिविंग रूम देखना ना बिल्कुल ही मुझे अच्छा फील नहीं देता तो जब ना लिविंग रूम वगैरह एकदम सेट रहता है ना हालांकि सेट करने में हार्डली फाइव मिनट लगते हैं है। उससे ज्यादा नहीं समय लगता है पर सेट रहता है ना तो मुझे वो देख कर ना काफी अच्छा सा फील होता है सो so, सबसे पहले तो मैं आजकल सोने से पहले यही करती हूँ कर जो भी कुशन कवर कवर नहीं जो जो है हो चुके उन्हें ठीक कर देती जो भी चीजें वैसे ज्यादा फैलता है नहीं घर अनिका भी बड़ी हो गई है घर में कोई ज्यादा आने जाने वाला है नहीं तो घर इतना ज्यादा भी नहीं फैलता वैसे देखा जाए तो हार्डली फाइव मिनट्स ही लगते हैं पर मुझे अच्छा लगता है कि जब भी मैं अपने घर को ठीक कर के सो ना तो सुबह जब वो अच्छा दिखता है ना सेट तो समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ और सारे घर की जैसी लाइट बंद हो जाती है ना तो कुछ ऐसा दिखता है मेरा लिविंग रूम भगवान की लाइट हमेशा चालू रहती है तो वहां से वो येलो लाइट निकलती रहती है आप देख सकते हो कितना सुकून भरा लग रहा है है ना तो यहाँ पर तो लिविंग रूम का किचन का सारा काम खत्म करने के बाद इट्स टाइम की मैं अपनी स्किन केयर का ध्यान दू भले ही मैं रोज मेकअप करती हूँ पर मेक श्योर करती हूँ की मैं अपना मेकअप रोज रिमूव करो तो सबसे पहले ये जो क्लेंसिंग पैड इसे गीला किया और अपने मेकअप को अच्छे से वाइप आउट किया और उसी के बाद मैं फेस वॉश कर लेती हूँ फेस वॉश किए बिना मैं कभी नहीं सोती हूँ ये मेरा एक रिचुअल है जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ आपने मुझे हमेशा ही देखा होगा कि हाँ मैं जो मेकअप लगाती हूँ रिमूव करती ही करती हूँ स्किन काफी फ्रेश लग रही है जो थकान है ना वो भी निकल चुकी है तो और भी अच्छी लग रही है ना स्किन यहाँ पर और खूब सारा मॉइस्चराइजर बिफोर स्लीपिंग मैंने अपने चेहरे पर अपर डायरेक्शन में लगा लिया है वैसे रात के सिर्फ सवा दस बजे ज्यादा समय तो हुआ नहीं है और बस ये रूटीन करके मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगी थोड़ा हम लोग टीवी देखेंगे ठीक है थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे नेक्स्ट डे की कि क्या करना है क्या नहीं है नॉल तो बस अब सोने का समय दस पच्चीस हो रहा है लगभग हम लोग ग्यारह बजे तक सो ही जाते हैं कभी जल्दी भी सो जाते हैं दस बजे भी सो जाते हैं डिपेंड्स की कैसे हमारा रूटीन जो है खत्म होता है आज तो काफ़ी मैंने धीरे धीरे चीज़ें की है क्योंकि काफ़ी पहले ही हो चुका था डिनर वगैरह करके क्योंकि वो डिनर करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है टेस्टी इतना रहता है कि फटाफट -पट खा कर भी ख़त्म हो जाता है उसके बाद ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो उलझी पड़ी थी उन्हें ख़त्म कर दी और फिर जाकर पूरा मतलब रूटीन वगैरह करके किचन का रूटीन मेरी स्किन केयर रूटीन सब करके बैक पर आ चुकी हूँ अब मैडम को भी सुलाना है इसका भी वही रहता है कि सुबह सात बजे तक इसको उठा दो तब जाकर ये नौ सवा नौ तक एकदम तैयार होती है क्योंकि वो भी एकदम ऐसे खींच खींच के करती है क्योंकि मौसम ही ऐसा है ठंडा होने की वजह से ना वो आपको एक एक्टिवनेस भी फील नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ना ठंड में बहुत सारी चीज़ें ना आपकी लेजी लेजी से हो जाती है बस ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करूंगी और हाँ इस व्लॉग में मैंने आपको इंस्टेंट वेदा के रोल ऑन के बारे में बताया था उसकी परचेस लिंक मैं वन सेकेंड बता दूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी देखिए जब मुझे स्टिफनेस यहाँ पर हो गई थी ना तब ऐसा लग रहा था कि बस अब तो मेरा ये जो बचा कुचा दिन है मेरा जो काम है ये तो लटक ही जाएगा बट थैंक्स टू दिस रोल ऑन जिसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं हुआ कब में मुझे आराम भी हो गया ना पता भी नहीं चला उस समय काफ़ी स्टिफ हो गया था पर कब में आराम मिला ये पता भी नहीं चला मैं अपना काम करते गई मेरा कोई काम का भी नहीं सो so, कुछ चीजें होती हैं जो हमें इंस्टेंटली नहीं पर कुछ ही देर में ऐसा रिलीफ दे देती है कि हमें रुकना नहीं पड़ता है ना सो so, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय गाइस टेक केयर